अकेले का किया हुआ है, डर लगा था पहले करने से पहले कि यार यहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के, लड़की कैसे यहाँ पे कर पाएगी, पर जब आई तो एक दो दिन के बाद जो है कि हेजिटेशन भी निकल गई मेरी कि नहीं चलो ठीक है कर लेंगे, और फिर मैं करने लगी। ये है लखनऊ की जॉबलेस चाय वाली एके पूजा यादव। इनके चाय के स्वाद ने बस कुछ ही महीनों में लखनऊ के लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन जॉबलेस चाय वाली नाम के पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। शुरुआत ऐसे हुआ कि मैं लखनऊ आई थी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के पर्पस से आई। कुछ सालों मैंने पढ़ाई किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब शुरू किया। जॉब करते करते ऐसा हुआ कि दो तीन जगह जॉब किया, पर ऐसा था कि कहीं जॉब समझ में नहीं आता था। आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती थी और चीज़ें मिलती भी नहीं थी। और फिर उसके बाद बीच में ऐसा हुआ कि मैंने रिसेंट में जॉब छूटा, कोई इनकम नहीं था कहीं से, कोई साइड इनकम नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम मैं पूरी जॉबलेस हो चुकी हूँ। फिर मेरे मतलब मन में आया ऐसा कि क्यों ना कुछ अपना ही स्टार्ट करते। लखनऊ के 1090 चौराहे पर जॉबलेस चाय वाली नाम से ये ठेला ग्राहकों को चाय के साथ साथ बन बटर और मैगी जैसे स्नैक्स भी खिलाता है। वैसे तो पूजा सारे काम खुद ही कर लेती है, लेकिन अपनी मदद के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को भी काम पर रखा है। उनकी छोटी सी दुकान दोपहर 2:30 बजे से रात 10:30 बजे तक खुली रहती है। पूजा यादव ने भले ही चाय के एक छोटे ठेले से शुरुआत की हो, लेकिन उनकी सोच बहुत आगे की है। अक्सर हम समाज के डर से अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर एक बार हम हिम्मत कर ले तो मंजर ही कुछ अलग होगा।